जय हिंद दोस्तों, मैं विश्व आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और आपका क्षेत्र मिति का चैप्टर चला हुआ है जिसमें आपको मैं पॉइंट करा रहा था त्रिभुज। देखो त्रिभुज जो क्या है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। अब बहुत से बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। भाई कितने क्वेश्चन नहीं, ओनली एक या दो ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आर्मी लेवल पर जो चैप्टर की संख्या है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन वही बेसिक लेवल पर ही आता है, ज़्यादा बड़े लेवल पर क्वेश्चन नहीं आता है। तो बेसिक लेवल ही आपको पढ़ना है। अगर ये बेसिक लेवल जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर इसी को आप कंट्रोल कर लेंगे तो 15 में से 13 या 14 आपके इस बेसिक लेवल पर ही आ जाएंगे। ज़्यादा एडवांस लेवल पढ़ने की, ज़्यादा बड़े लेवल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ओनली इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई यूपी पुलिस या SSC GD का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। चाहे आप कोई भी पिछले 10 सालों का पिछले कोई भी पेपर उठाकर देख लो और आप मेरी वीडियो से मैच कर लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको वो यहीं से कनेक्ट होंगे। कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको अलग मिल सकते हैं और इसी लेवल पर पैटर्न बनता भी है। अगर आप अगली वीडियोस देखेंगे, अगले पेपर देखेंगे तो इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनता है। तो चलते हैं आज के दोस्तों अपने 15वें क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन हो चुके थे। 15वां क्वेश्चन क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया, 8 मीटर लंब दे दिया, 5 मीटर तो क्षेत्रफल पूछ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का और आधार हो गया, इस वाली वैल्यू को आधार बोल दिया, इस वाली वैल्यू को जो नीचे वाली भुजा है इसको आधार बोल दिया गया, इस वैल्यू को आधार बोल दिया गया और आधार है आपका 8 मीटर। आधार है 8 मीटर और लंब है 5 मीटर। जो ये खड़े वाली भुजा है इसको बोल दिया लंब, लंब 5 मीटर और लंब को ऊंचाई भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लंब लिख लें या फिर ऊंचाई। आधार दिया 8 मीटर और लंब दे दिया 5 मीटर तो पूछ लिया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और 1/2 आधार की वैल्यू है आपका 8 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू है आपका 5 मीटर। इसको लंब भी लिख सकते हैं या फिर आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और 2 से ये कट गया 4 बार और 4 × 5 = 20, 20 वर्ग मीटर 20 बन गया और 20 में क्या बना, 20 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन सी क्या है आपका सही है। तो ध्यान रखना है ये वाली वैल्यू को आधार, खड़े वाली जो लाइन है इसको आपको बोल दिया लंब और इसको बोल दिया गया कर्ण। तो सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार 8 मीटर और ऊंचाई 5, तो 4 से 5 4 2 से कटा 4 बार और 4 × 5 = 20 वर्ग मीटर आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया 10 मीटर, आधार 10 मीटर दे दिया और आपका ऊंचाई दे दिया, लंब दे दिया 7 मीटर, लंब दे दिया 7 मीटर तो क्षेत्रफल पूछ लिया। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया 10 मीटर और लंब दे दिया 7 मीटर तो क्षेत्रफल पूछ लिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो 1/2 और आधार का वैल्यू जो दे दिया आपको, आधार दे दिया 10 मीटर, आधार दे दिया 10 मीटर और ऊंचाई दे दिया 7 मीटर, 2 से कट गया 5 बार, 2 × 5 = 10, 2 से कट गया 5 बार और 5 × 7 = 35, तो 35 वर्ग मीटर
35 वर्ग मीटर आपका सही आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी क्या है आपका सही, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार दे दिया 10 और ऊंचाई दे दिया 7 मीटर, तो 2 से 5 वर्ग कटा और 7×5=35 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया, समकोण त्रिभुज का जो आधार दिया वो दिया आपका 5 मीटर, आधार दे दिया 5 मीटर और कर्ण दे दिया 13 मीटर, आधार भी दे दिया और कर्ण भी दे दिया और पूछ लिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो फॉर्मूले के अनुसार जब हम देखते हैं क्वेश्चन को तो 1/2, 1/2 और आधार का वैल्यू बना 5 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू भी हमारे पास कुछ नहीं है। जब ऊंचाई का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या करेंगे आप, ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी और कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम ऊंचाई निकाल लेंगे। और कल की वीडियो में आपने त्रिभुज में पढ़ा था, देखो ज़्यादा डीपली ना जाते हुए तीन मैंने प्रमेय बताई थी आपको, अगर कहीं 8 आता है, 15 आता है तो तीसरी वैल्यू वहाँ 17 बनेगी, अगर कहीं वैल्यू 5 आती है 12 और तीसरा ट्रिपलेट होगा 13, अगर कहीं 3 है और 4 है तो वहाँ नेक्स्ट होगा 5। तो जब यहाँ आपकी खुद चेक करें, 13 भी दिया 5 भी दिया, 13 भी दिया 5 भी दिया, तो क्या रह गया, 12 रह गया। अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली समझना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय को पहले पढ़ेंगे, तो इसका क्या करें, 12 मीटर, 2 से कट गया, 2×6=12 और 6×5=30, तो 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर आपका दोस्तों आंसर बना पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय देखना चाहते तो ये था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर दे दिया आपका 13 का स्क्वायर, कर्ण दे दिया आपका 13 मीटर का स्क्वायर, 13 मीटर का स्क्वायर, लंब हमें बताना है लंब का स्क्वायर, और आधार दे दिया आपको 5 मीटर का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर किया, जब 13 का स्क्वायर किया तो 169, जब 5 का स्क्वायर उधर 25 है और बराबर से इधर आया तो कितना बना, 25 बना, 25 उधर प्लस का बनता, 5 का स्क्वायर 25 उधर प्लस का बनता, इधर आया तो माइनस बना, तो ये बन गया 144। लंब का स्क्वायर बराबर 144 और लंब बराबर √144 और √144 है 12 का, √144 है 12 का, तो क्षेत्रफल बना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार का वैल्यू 5 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू 12 मीटर, 2 से कट गया, 2×6=12 और 6×5=30। चाहे आप डायरेक्ट में 3 पाइथागोरस प्रमेय याद कर लें, ये डिपेंड है आपके ऊपर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 वर्ग मीटर और आधार दिया 8 मीटर, क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का, दे दिया टोटल 60 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दे दिया 60 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मैं बार बार लिख चुका हूं आधार गुणा ऊंचाई बराबर 60 वर्ग मीटर, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 60 वर्ग मीटर और 1/2 आधार के वैल्यू दे दिया, आधार दे दिया 8 मीटर और ऊंचाई हमारे से क्या कर लिया, पूछ लिया बराबर 60 वर्ग मीटर। अब क्या किया, 2 से ये 4 वर्ग कट गया, 2×8 और ऊंचाई बराबर 60 वर्ग मीटर। अब ये 4 जो है इधर गुणा में है, जब इधर गया तो बटे में गया 4 मीटर, ये कट गया इससे, 4 से ये 15 बार कटा तो वैल्यू आ गई 15 मीटर, लंब पूछ लिया तो 15 मीटर दोस्तों, 15 मीटर क्या आया, इसका लंब आ गया 15 मीटर।
क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं बार बार लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार की वैल्यू 8 मीटर, ऊंचाई बतानी है हमें, लेकिन क्षेत्रफल दिया 7 वर्ग मीटर, 2 से कट गया है 4 बार, और ऊंचाई बराबर 60 गुना में 60 था इधर, ये 4 इधर गुना में था, इधर गया तो भाग में गया और 4 से कट गया तो 15 मीटर आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर यही क्वेश्चन दिया, समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया 12 मीटर और क्षेत्रफल दे दिया 96 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दिया है 96 वर्ग मीटर। पहले क्वेश्चन पर क्या करना आपको समझना है बहुत अच्छे से, अगले क्वेश्चन पे क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी, और परफेक्शन आती चली जाएगी। क्षेत्रफल बराबर आपका दिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और बराबर 96 वर्ग मीटर। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 96 वर्ग मीटर, और 1/2 आधार का वैल्यू 96, आधार का वैल्यू आपका 12, आधार की वैल्यू दिया आपका 12, आधार का वैल्यू दिया दोस्तों 12 मीटर और गुणा ऊंचाई बराबर 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर, और 2 से कट गया 6 बार कटा, 2 से 2 छक्का 12 और ऊंचाई बराबर ये 96 वर्ग मीटर, और बटे में क्या गया, ये 6 इधर गुणा में था इधर गया तो बटे में गया 6 मीटर, 6 मीटर इधर बटे में गया, 6 से कटा, 6 ही कम 6, 6 चौ 6 कम 6 और 3 बचा 6, 6 छक 36, तो 16 मीटर दोस्तों आपका सही आंसर। क्षेत्रफल दिया है 96 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 96, और 1/2 आधार की जगह 6 लिख दिया क्योंकि दिया हुआ है, और 2 से कटा 6 बार, और ये 6 इधर गुणा में उधर गया तो बटे में गया, 6 से एक कट गया 16 बार, तो 16 मीटर दोस्तों आपका सही आंसर। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, लेकिन पूछ लिया क्या, कर्ण पूछ लिया, थोड़ा सा कर्ण पूछ लिया, लंबा क्वेश्चन बढ़ा दिया। आधार दिया 8 मीटर, देखो क्षेत्रफल होता है आपका 24 वर्ग मीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, और आधार का वैल्यू दे दिया 8 मीटर। बार बार फॉर्मूला लिख लियो, ध्यान रख लियो अपने आप, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई और बराबर 24 वर्ग मीटर। भाई 2 से कट गया, 2 चौक 8 और ऊंचाई बराबर 24/4, 24 वर्ग मीटर बटे 4 मीटर, ये कट गया 4 से कट गया 6 मीटर, तो ऊंचाई आ गई आपकी 6 मीटर, ऊंचाई आ गई आपकी 6 मीटर, लेकिन ऊंचाई तो नहीं पूछा, पहला ऑप्शन भी दे दिया आपको 6 मीटर, जिससे आप घूम के उस आंसर को दे दें और ध्यान रखें पूछा क्या है, कर्ण पूछ लिया, और मैं तो 3 ही पाइथागोरस प्रमेय बताई, तो यहां तो चौथी पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी कि कर्ण का स्क्वायर बना दोस्तों आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब हमारा है 6 मीटर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 मीटर का स्क्वायर, और आधार बना आपका 8 मीटर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, कर्ण का स्क्वायर बराबर 36 और 8 का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर, 6 का 36 और 8 का 64 बना, 36 में 64 को जोड़ा 100, 36 में जब 64 को जोड़ दिया 100 और 100 बराबर अंडर रूट में 100 किया और 100 किसका 10 का, तो कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर, तो 10 मीटर ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के बाद पूछा क्या वो चीज मायने करती है। देखो
दिया क्या, समकोण त्रिभुज दिया, आधार दे दिया 8 मीटर, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और आधार के स्थान पर 8, 2 से कटा 4 बार, ये 4 यहाँ गुना में है इधर गया तो बटे में, और 4 से कट गया 6 बार, तो आपका आ गया 6 मीटर। यहां तक सभी के समझ आ गया होगा, लेकिन आगे फिर पूछ लिया 6 मीटर पहला ऑप्शन भी दे दिया, लेकिन दोस्तों पूछा क्या वो ध्यान रखना है, इसमें पूछ लिया कर्ण बताओ, कर्ण पूछ लिया और कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लग गई, आधार लंब कितना हमारा 6, आधार कितना 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 जोड़ा 100, और 100 किसका 10 का, तो कर्ण कितना बना 10, और बी ऑप्शन आपका सही। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में अग्निवीर में आ चुका है, तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये नहीं होता, अंडर रूट s s-a s-b s-c, या 1/2 गुना भुजा, भुजा का वर्ग, या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अभी देखो ये तो मैंने बताया आपको समकोण त्रिभुज का, भाई ये सूत्र तो बताया मैंने आपको समकोण त्रिभुज का, ये है समकोण त्रिभुज का, ये बताया मैंने आपको 1/2 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज जो होगा उसका है, और जो ये सूत्र है ये विषमबाहु। आप विषमबाहु मतलब कौन सी, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, वो विषमबाहु का होता है, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये त्रिभुज का नहीं बनेगा, घनाब का बनेगा, घनाब का आयतन का बनेगा, घनाब के आयतन का, घनाब का आयतन बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ध्यान रखें कि हमारे से पूछा है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट s s-a s-b s-c, और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर दी, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो इसी तरह का कोई त्रिभुज दिया जिसकी एक भुजा 3 मीटर है, एक 3 मीटर है, एक 4 मीटर है, और एक दे दिया 5 मीटर, और इसका क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। अब देखो इसमें क्या करना, जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले इसकी आप अर्ध परिमिति निकाल लो, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप होता है इसका तीनों का जोड़कर आधा कर दो, मतलब परिमाप का आधा कर दिया बराबर 3 + 4 + 5, 3 4 7 और 5 12, 12 का बट्टा 3 और 4 7 और 5 12, और 12 का बट्टा कर दिया 2, 12 का बट्टा 2 किया तो 2 से कट गया 6 मीटर। दोस्तों यहां तक चलने के बाद क्या किया, 5 मीटर दी, 3 दिया 4 दिया, अलग अलग भुजा है तो विषमबाहु हो गया, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालो, सबका जोड़ करा, मतलब 3 4 और 5 का जोड़ा, 12 का बट्टा 2 किया तो 6 मीटर। अब इसका क्या निकालना, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में s s-a s-b और s-c, अंडर रूट में क्या किया, s s-a और s-b और s-c। अब ये s क्या आफत है भाई, जो ये अर्ध परिमाप को बोलते हैं इसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं और s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे है, s इस परिमाप को बोल दिया सेमी पैरामीटर और इसको रिप्रेजेंट कर दिया s से, तो मतलब s का वैल्यू आपका आ गई, s का जो वैल्यू दिया वो आ गई आपकी 6, फिर 6 - 3, क्यों 3, क्योंकि ये आप a लिख सकते हो, ये b लिख सकते हो और ये c, 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5, क्या किया अंडर रूट 6,
छः में से तीन गया तीन, चार गया दो और पाँच गया एक, आपस में गुणा करो, छत्ती अट्ठारह, अट्ठारह दूनी छत्तीस, और छत्तीस किसका आया, छः का, छत्तीस आया छः का, तो छः वर्ग मीटर इसका परिमाप आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कम ही आता है विषमबाहु त्रिभुज, जो मोस्टली जो आता है समबाहु त्रिभुज आता है, कोण के बारे में पूछता है, कर्ण के बारे में पूछता है, या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। अगर आ भी गया तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पहले क्या करो, अर्ध परिमाप निकाल लो, सबका जोड़कर आधा करो, आधा करा बार तीन और चार सात और पांच बारह का बट्टा दो किया तो छह आया। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एस का वैल्यू छः, छः माइनस तीन, छः माइनस चार, छः माइनस पाँच, छत्तीस अट्ठारह दूनी छत्तीस, और छत्तीस किसका, छः का, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर। विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 13 मीटर, तो पहले एक भुजा दे दी भाई इसकी 13, एक दे दी 14 और एक वैल्यू दे दी 15, एक वैल्यू 13 दी, इसको 13 मीटर को ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इस वैल्यू को सी मान लिया, पहले निकाल दो इसका अर्ध परिमाप, पहले निकाल दो इसका अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस। अब क्या करो, एस को, अब एस को फाइंड करो भाई, आप अर्ध परिमाप को फाइंड करो, मतलब परिमाप का आधा, सबको जोड़ दो, 13 प्लस 14 और प्लस 15, 13, 14 और 15 का जोड़ के बटा दो किया, 13 और 14 27 और 15 आपका 42 और 42 का बटा दो किया, 42 का बटा दो किया तो बना आपका 21, 42 का बटा दो किया तो 21 बना। सबसे पहले दोबारा देखो, अर्ध परिमाप सबका जोड़ किया बटा दो किया, अर्ध परिमाप आपका बना 21। अब क्या करें क्वेश्चन के अंदर, क्या करें, अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सूत्र हमने पढ़ ही लिया है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर एक दो बार आप फॉर्मूले को लिखते हैं तो फॉर्मूला आपके याद होने के चांस बनते हैं, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट एस का जो वैल्यू दिया वो 21 दिया, और 21 माइनस 13, 21 में से 13 घटाओ, 21 माइनस 21 में से 14 घटाओ और 21 में से माइनस करो 15, जब 21 से 13 घटे तो 8 बचे 21, 11 में से 3 गया 8, जब 14 गए तो 7 बचे, जब 15 गए तो 6 बचे, और सबका क्या कर दो, गुणा कर, सबका क्या कर दो, गुणा कर दो, और जो इसकी गुणा बैठती है दोस्तों थोड़ी सी बड़ी बैठती है, जब इस तरह गुणा आए तो इसको टुकड़ों में तोड़ लो आप, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वैसे इसकी गुणा 7056 समथिंग बैठती है, लेकिन आप गुणा में कन्फ्यूज हो जाओगे तो इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, मतलब 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 को कोई टुकड़ा नहीं बनता, और 6 को 2 गुणा 3, क्या करा, बड़ी वैल्यू को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, छोटे फैक्टर में तोड़ लिया, अब क्या करना है, जो फैक्टर हमें दिख रहा है पास, जैसे 3 है तो 3 वैल्यू को 3 के पास ले आओ, जो 7 दिखाई दिया 7 वैल्यू को 7 के पास, और 2 वैल्यू को 2 के पास, 2 की वैल्यू को 2 के पास। अब क्या करते हैं, जब अंडर रूट बनता है तो दो जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं, दो जोड़े से एक बाहर निकाला, दो जोड़े से एक और दो के जोड़े से एक, तो बाहर निकला 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2, 3 सत्ते 21, 21 दुनी 42 और 42 का दुगुना 84, तो 84 वर्ग मीटर आपका सही आंसर बना, 84 वर्ग मीटर, तो ऑप्शन आपका सी दोस्तों क्या है, सही है, ऑप्शन सी क्या है आपका सही है। दोबारा देखें आप, 13, 14 और 15 दिया, पहले निकाल लिया आपने अर्ध परिमाप, 13, 14 और 15 को जोड़ा आधा करा, 21 बना। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस का मान 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 13 घटाए 8 बचा, 14 घटाए 7, 15 घटाए 6 बचा, सबको क्या करा, टुकड़े तोड़ लिए, 3 गुणा 7, 2, 2, 2,
सात, दो और तीन, तीन को इकट्ठा करा, सात को सात किया, दो को सात, दो को सात और जोड़े में से एक एक वैल्यू ले लिया, तीन में से एक तीन, सात में से एक सात, दो में से एक दो और अगले दो में से एक दो, तीन सत इक्कीस दुनी बयालीस दुनी चौरासी वर्ग मीटर आपका सही आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 28 मीटर, 26 मीटर और 30 मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। मतलब ये त्रिभुज है जिसकी अलग अलग भुजाएं हैं सभी, एक भुजा 28 दे दिया, एक भुजा 26 दे दिया और एक भुजा दे दिया 30। तो इसने कहा विषमबाहु त्रिभुज, अब बना कौन सा विषमबाहु बना, तो पहले निकाल लेंगे आप अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सबका जोड़ करके बटा दो कर दो, सबका जोड़ किया 28 प्लस 26 और प्लस किया आपने 30 और बटा दो, 28 और 26 84 और 30 को जोड़ा, 28 और 26 जोड़ दिया और 30 जोड़ा 54 और 30 84 का बटा दो, तो बना आपका 42, बन गया आपका 42। अब पूछ क्या लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, ध्यान रखना है फॉर्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सोचोगे एस कहां से, ये एस अर्ध परिमाप को एस बोल दिया क्योंकि सेमी पैरामीटर। अब अंडर रूट एस का वैल्यू कितना बना आपका 42, अंडर रूट में बना 42 और 42 माइनस, 42 माइनस एक वैल्यू 18, 42 माइनस दूसरी वैल्यू बना 26 और 42 माइनस तीसरी वैल्यू बना आपका 30। पहले समझे क्वेश्चन को फिर देखें, फिर उसके बाद सोल्व करने का ट्राई करें आप लोग। तो अंडर रूट 42, 42 से 28 गया, 12 में से 8 गया, 12 से 8 गया 4 और 3 से 2 गया 1, 14, 14 बने, फिर 42 से 26 गया, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 बने और 42 से 30 गया तो 12 बने। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं, आप फैक्टर कर सकते हैं। अब देखो 42 का जो फैक्टर किया 7 गुणा 6 कर लिया, 7 छंग 42, अब 14 का 7 गुणा 2 कर लिया और आप 16 के जो टुकड़े कर सकते हैं वो 4 गुणा 4 कर सकते हैं या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 कर सकते हैं या 16 जूका तू रख सकते हैं क्योंकि 16 वर्ग मूल है या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 जब आप तोड़ ही रहे हैं तो 2 और 12 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ तक तोड़ने के बाद, यहाँ तक फैक्टर करने के बाद किया क्या आपने, सात का जोड़ा बनना है तो दो सात में से एक सात बाहर निकाला, दो सात से एक सात, देखो एक सात ये रहा और एक सात ये रहा तो एक सात निकाला, दो छः एक छः ये रहा, एक छः ये रहा, एक छः तो ये बना और एक छः आप इसको बना सकते हैं, तीन दुना छः, एक छः ये निकाल लिया, फिर दो दो, इस दो में से एक दो निकाला, इस दो से एक दो निकाला और इस दो से एक दो निकाला, मतलब दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ छंग 48 और 48 का सात में गुणा किया, सात अठी छप्पन, पाँच हासिल, सात चौक 28 और पाँच 33 तो 336 वर्ग मीटर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है दोबारा देखें, पहली बार में थोड़ा सा हो सकता है कम समझ आए लेकिन पैटर्न वही है, ध्यान रखना है 28 26 और 30 अर्ध परिमाप निकाल लिया, सबको जोड़कर आधा किया 42 आ गया, फिर अर्ध विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सबको जोड़ा 42, 42 में से 28 गया 14, 42 में 26 गया 16, 42 से 30 गया 12, 42 के टुकड़े तोड़े 7 गुणा 6, 14 के 7 गुणा 2 तोड़ लिए, 16 के 2 2 2 और 12 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3,
सात का एक येरा, एक येरा दो सात में से एक सात निकाला, छह येरा और तीन दुनी छह, वो छह बना लिया, एक छह निकला और दो 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 ये निकल गया, जोड़ा सात सबकी गुणा किया तो 336 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही आंसर। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि 180 से 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वरहद कोण। और अधिक कोण बोलते हैं 90 से 180 डिग्री के बीच को, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जो कोण बनता है उसको अधिक कोण, और 180 से 360 डिग्री को वरहद कोण बोल दिया, और सरल कोण बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण, और 360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री के कोण को आपको क्या बोल दिया, सरल कोण। सरल को संपूर्ण कोण इसको सरल भी बोलते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण। तो आपका ऑप्शन बना बी, बी बना मतलब वरहद कोण आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं ऋजु कोण भी बोलते हैं या फिर सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण, दोनों आंसर आपका सही है इसके दोनों नाम में। नेक्स्ट, दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5 है। भुजाओं का अनुपात देखो, भुजा 4:5 है, और जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया तो 4 का इसको स्क्वायर करो, इसका 5 को स्क्वायर करो। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जब भी किसी के भुजा का देगा, भुजा का अनुपात देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या कर देना, ओनली स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो 16:25 और ऑप्शन बी आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब की बार क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 36:49, क्षेत्रफल दे दिया और भुजा पूछ लिया, जब भुजा पूछ लिया तो इसको अंडर रूट कर दें, भुजा पूछ लिया इसको अंडर रूट कर दें 36 को और 49 को, 36 किसका 6 का और 49 किसका, 36 बना आपका दोस्तों 6 का और 49 बना आपका 7 का, 36 बना 6 का और 49 बना 7 का, तो 6:7, 6:7 ऑप्शन बी आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में त्रिभुज किस प्रकार का? 13 नवंबर 2023-2022 को जो क्वेश्चन हुआ था उसमें, जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो अनुपात दिया, मान लो ये एक त्रिभुज है और इसके जो कोण है अनुपात, अनुपात जो दिया वो दिया आपका 2:3:5, तो योग आप देख लें कितना बनेगा, योग बना आपका 2:3:5 और 5:10, 2:3:5 और 5:10, और समकोण त्रिभुज का, सॉरी त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री किसका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कहा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखनी आपको, 180 डिग्री होता है। तो हमारे से दिया क्या अनुपात दिया, किसका अनुपात दिया, कोण का अनुपात 2:3:5 और 5:10, 10 = 180, 1 = 180 का बटे 10 और 10 से कटा 18, ये आ गया 18 बार। अब दो में गुणा कर लो आप 18 की, 18 × 36, 3 में गुणा कर लो आप 18 की, 18 × 3 = 54, और 5 में गुणा कर लो आप 18 की, 18 × 5 = 90, तो 54, 36 और 90, 54, 36 और 90 एक ये अनुपात बना इसका, और 90 जब भी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है तो वो बनता आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। किस तरह बना ये, ऐसा बना, ये 2 था, ये 3 था और ये 5 था, ये 2, 3 और 5, 2 बना 3 बना और 5 बना, इस तरह बना सकते हैं आप, ये 2 बना, ये 5 बना और ये 3,
त्रिभुज के याद रखने वाली बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अनुपात दिया 2, 3 और 5, हमारे अनुसार अनुपात बना 10 और 10 का मान 180, 1 = 180/10, 1 अनुपात का मान 18 आया, तो इसने भुजा पूछी तो 2 × 18 = 36, 3 × 18 = 54 और 5 × 18 = 18, 18 × 5 = 90 और जब एक कोण 90 डिग्री का बना तो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 2, 3 और 5 परिमाप, ये 2 के अनुपात में, ये 3 के और ये 5 के, अब की बार भुजा दे दी तो त्रिभुज का परिमाप दिया, परिमाप दिया, परिमाप दिया हुआ है 180 मीटर, परिमाप दिया 180 मीटर, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार परिमाप 180, लेकिन हमारे अनुसार परिमाप है 2 और 3 5 और 5 10, मतलब परिमाप मतलब 2 + 3 + 5 = 2 और 3 5 और 5 10 और 10 का मान 180, तो 1 का मान 180/10, 0 से 0 कट गया, ये बना 18 बार बना, और इसने कहा बड़ी भुजा बताओ, परिमाप इतना तो छोटी भुजा, अब छोटी भुजा 2, 3 और 5 में छोटा जो दिख रहा है वो 2 दिखाई दिया, तो छोटी भुजा पूछ लिया, छोटी भुजा, अब छोटी भुजा आपसे पूछ लिया तो छोटी के पास 2 वैल्यू है और 18, 18 × 36, 36 मीटर, और 36 मीटर आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप बी ऑप्शन को 36 कर सकते हैं, बी ऑप्शन को आप 36 कर सकते हैं, 36 बी ऑप्शन को आप कर सकते हैं, जिससे क्या बन गया हमारा, सॉरी सी ऑप्शन को आपने क्या कर लिया, 36 कर लिया, तो आपका क्या बना, 36 आपका राइट आंसर बना। अगर ये बड़ा परिमाप पूछता, बड़ी भुजा पूछता तो 5 × 18 = 90 बनता। दोबारा देखें, 2, 3 और 5 के अनुपात में किसका, भुजाओं का अनुपात, मतलब ये 2 के अनुपात में, ये 3 के और ये 5 के, क्या अब तक कितना हो सकती है, तो 2 और 3 5 और 5 10, और लेकिन कहा परिमाप 180, तो 1 अनुपात का मान 180/10, तो 1 अनुपात का मान 18 आ गया, तो इसने बोला छोटी भुजा, छोटी भुजा के पास 2 अनुपात हैं और 1 अनुपात का वैल्यू 18, तो 18 × 36, 1 अनुपात का वैल्यू 36 आ गया, मतलब 2 अनुपात का 36 आ गया, और 36 नहीं था तो हमने ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज किया, तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही बना। ये थे त्रिभुज के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, और जिस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, और ध्यान रखना आप त्रिभुज का एक क्वेश्चन आपका बहुत हद तक आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से ट्राई करें, अच्छे से तैयारी करें, अगर आप रेगुलर तैयारी करते रहे तो आपके लिए एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं होगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।